बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द अलाइड स्कूल टेबल कंटेंट ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स क्लास 3 लेक्चर नंबर 6। दिस इज़ योर बुक टाइटल। यूनिट नंबर 7 लोगो कमांड्स। टॉपिक बैकवर्ड यानी बी के कमांड, राइट कमांड, लेफ्ट कमांड। पेज नंबर 84 to 88। लास्ट लेक्चर में हमने एफ टी कमांड यानी फॉर्मेट कमांड और इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बैकवर्ड यानी बी के कमांड, राइट एंड लेफ्ट कमांड पढ़ेंगे कि लोगो कमांड्स में किस तरह यूज़ होते हैं। अब बैकवर्ड यानी बी के कमांड। द टर्टल कैन ऑल्सो मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन। के जैसे कि फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड हम करते हैं, उसको स्टेप्स बताते हैं, इसी तरह बैकवर्ड यानी वापस भी वो मूव करेगा। इट ड्रॉ अ लाइन। तो जैसे बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड में जाएगा लाइन ड्रॉ करते हुए, वैसे ही बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ आप उसको जब वापस लेके आएंगे तो वैसे ही वो लाइन ड्रॉ करता हुआ बैकवर्ड की तरफ वापस आएगा। Remember, the turtle does not turn its head as it moves back. You can also backward command in a similar way as forward command. कह रहे हैं कि turtle जो है वो वापस नहीं आता, head के साथ वापस नहीं आता जब तक कि आप उसको command नहीं देंगे। जैसे कि आपने forward की command उसको दी है, वैसे ही आप उसको backward की command देंगे तो तभी turtle आपके पास backward यानी वो अपनी space पर move करके वापस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकवर्ड स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स बैकवर्ड 50। कह रहे हैं जैसे कि आपने नंबर ऑफ स्टेप्स बैकवर्ड के दिए हैं, वैसे ही वो बैकवर्ड में वापस आएगा यहाँ पर आपके पास। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैकवर्ड फॉर कमांड BK50 और BK50। यानी कैपिटल में BK भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी BK लिख के आप आगे जितनी आपने देनी है स्पेस देने के बाद आप उसमें राइट करेंगे कितनी कमांड्स आपके पास होनी चाहिए। तो टर्टल आपका क्या करेगा, बैकवर्ड आपकी तरफ मूव करेगा। दिस कमांड मूव द टर्टल 50 स्टेप्स बैकवर्ड वाइल ड्राइंग अ लाइन। कह रहे हैं कि जैसे फॉरवर्ड किया था वैसे ही बैकवर्ड आपके पास 50 स्टेप्स जो है वो एक ड्रॉ करते हुए लाइन आपके पास वापस आएगा। यू मस्ट गिव अ स्पेस बिटवीन BK एंड द नंबर। कह रहे हैं लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जब कमांड देंगे तो BK में यानी बैकवर्ड में आपने स्पेस दे के आपने नंबर बताने हैं। यू कैन मूव द टर्टल बैक विद फॉरवर्ड कमांड यूजिंग अ माइनस साइन बिफोर द नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी आप उसको जब फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप उसके साथ माइनस का साइन यूज़ करके उसको बैक की तरफ भी लेके आ सकते हैं अगर आपने 20 स्टेप्स ही उसको बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। सिमिलरली यू कैन मूव द टर्टल फॉरवर्ड विद बैकवर्ड कमांड यूजिंग अ माइनस साइन बिफोर द नंबर ऑफ स्टेप्स BK। कि आपने अगर फॉरवर्ड BK किया हुआ है तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं कि आप उसको स्टेप्स वापस लेके जा सकते हैं। अगर आपने उसको उतने स्टेप्स फॉरवर्ड नहीं करना तो आप उसको बैकवर्ड की तरफ लेके जा सकते हैं उतने स्टेप्स, लेकिन आपने उसके साथ माइनस का साइन यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे उसने बता दिया कि ये उसने अगर बैकवर्ड किया है तो ये उस टर्टल जो है वो अपनी स्क्रीन पर वापस आ गया है। ये देखें, ये भी टर्टल जा रहा था ऊपर, ये बैकवर्ड की तरफ वापस आ रहा है। ये उसने नेगेटिव बताया है कि किस तरह टर्टल जो है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ वापस आ रहा है। ये लाइन ड्रॉ हुई है आपको नज़र आ रही है। व्हाट हैपन व्हेन यू टाइप FD 800 एज इट अबव फिगर। किसने 800 कहा, तो ये देखें कितने स्टेप्स वो 800 स्टेप नीचे आ रहा है। द टर्टल मूव फॉरवर्ड एंड 500 स्टेप्स द स्क्रीन केम ऑन एंड 50 इट स्टार्टेड अगेन फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू फिनिश द रिमेनिंग 300 स्टेप्स। कह रहे हैं 200 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं तो स्क्रीन जो है वो फिनिश हो गई है, तो वो फर्दर स्क्रीन यानी न्यू स्क्रीन पे वो अपीयर होकर वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 300 स्टेप्स को वो फॉरवर्ड करेगा। राइट कमांड के, राइट कमांड आप कैसे देते हैं। राइट कमांड इज़ यूज टू टर्न द टर्टल टू इट्स राइट और क्लॉक वाइज इट इज़ रिटन एज राइट स्पेस नंबर ऑफ डिग्रीज। जैसे आप फॉरवर्ड में करते हैं स्पेस देके लिखते हैं, वैसे ही एज इट इज़ आप राइट में भी क्या करेंगे, आप लिखेंगे राइट एंड स्पेस देंगे और देन आप उसके स्टेप्स लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जाना है, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। वाइल यूजिंग दिस कमांड यू शुड ऑल्सो प्रेस द स्पेस बार की आफ्टर टाइपिंग राइट इन द कमांड इनपुट बॉक्स। कि जैसे कि आप पहले यूज़ करते हैं तो इसी तरह आपने स्पेस बार की यूज़ करनी है जब आप राइट कमांड इनपुट बॉक्स में दे रहे होते हैं। नंबर ऑफ डिग्रीज टेल द टर्टल बाय हाउ मेनी डिग्रीज इट हैज़ टू टर्न। कि नंबर ऑफ़ डिग्रीज भी बतानी होती हैं आपको कि आपने कितने नंबर ऑफ़ डिग्रीज जो है वो टर्न करना है अपने टर्टल को। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखिएगा, टाइप RT90 इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द इंटर की और क्लिक एग्जीक्यूट बटन। के आप इंटर की भी यूज़ कर सकते हैं और एग्जीक्यूट बटन भी यूज़ कर सकते हैं कि उसने 90 स्टेप्स जो है वो उसने राइट की तरफ अगर जाना है। व्हाट डू यू सी, द टर्टल टर्न बाय 90 डिग्री टू इट्स राइट। कि देखो टर्टल पहले यूँ था तो वो राइट 90 डिग्री जो है वो राइट की तरफ टर्न हो गया क्योंकि उसने राइट की तरफ जाना है। एज शोन इन द
फिगर बिलो, जैसे कि आपका कह रहे हैं कि फिगर में आपको नजर आ रहा है कि यूं टर्टल हमारे पास पहले उसका हेड और टेल जो थी, अब वो उसकी हेड जो है वो राइट साइड की तरफ आपको नजर आ रही है और टेल जो है वो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रही है, तो उसने अपनी 90 डिग्री पर डायरेक्शन अपनी मूव कर लिया है उसने। नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइट और आरटी और आरटी, ठीक है, कैपिटल और शॉर्ट दोनों में वो कह रहे हैं आप लिख सकते हैं। लेफ्ट कमांड, लेफ्ट कमांड इज़ यूज टू टर्न द टर्टल टू इट्स लेफ्ट और एंटी क्लॉक वाइज उसने जाना है, ठीक है, पहले क्लॉक वाइज राइट में होता है और लेफ्ट में एंटी क्लॉक वाइज जाएगा। लेफ्ट स्पेस नंबर ऑफ डिग्रीज, वाइल यूजिंग दिस कमांड यू शुड प्रेस द स्पेस बार की आफ्टर टाइपिंग लेफ्ट नंबर ऑफ डिग्रीज टेल द टर्टल बाई हाउ मेनी डिग्रीज इट हैज़ टू टर्न। अब वही बात जैसे कि राइट में है सेम वैसा ही है कि जब आप यूज़ करते हैं लेफ़्ट कमांड तो आपने क्या करना होता है, आपने नंबर ऑफ डिग्रीज बतानी होती हैं, आरटी लिखना होता है और कितने नंबर ऑफ स्टेप्स उसने जाना है वो स्पेस बार आपने की यूज़ करनी है और देन वो जाता है। फॉर एग्जांपल टाइप LT60 इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस इंटर की द टोटल टर्न्स इन 90 डिग्री थ्रू डिग्री एज शोन इन द फिगर। अब फिगर देखते हैं, फिगर में आप देखिए ये टर्टल था, ये देखिए ये टर्टल जो है वो टर्न हो रहा है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वो मूव करके यूँ लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। पहले उसका हेड जो था वो राइट की तरफ था, अब उसका हेड जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा और टेल जो है वो राइट की तरफ होगी, तो उसने मूव कर लिया है। होमवर्क है आपके पास लर्न रीडिंग, जो रीडिंग अभी सारी हमने पढ़ी है इसी को आपने दोबारा एक दफ़ा रीड करना है और अपने घर में अपने कंप्यूटर में इस एक्टिविटी को आप कर भी सकते हैं कि किस तरह ये मूव कर सकता है राइट और लेफ्ट और बैकवर्ड कैसे जा सकता है और फॉरवर्ड कैसे जा सकता है, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।